बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो सॉइल डाटा से रिलेटेड है। मैं इस पे पहले भी जो है वो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ यूज़र ने जो है वो कंप्लेन की है कि जो है वो डाटा जगह पे मौजूद नहीं है या शो ऑफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि वेबसाइट पे जो है वो कुछ सेटिंग चेंज की है, जिसकी वजह से जो है वो डाटा को जो है वो सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले का साइट पे जाना है। ठीक है, ये साइट है, आपने पहले भी देखी होगी। ठीक है, और उसके बाद जब ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे डिजिटल सॉइल मैप ऑफ द वर्ल्ड का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे जब ये खुलेगी तो इसमें जो है वो हमारे पास पेज ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, सर्च के ऑप्शन में आपने लिखना है डिजिटल सॉइल मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सर्च किया इसको और इस तरह हमारे पास जो है ये डाटा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं पहले पहले बता चुका हूँ कि आपको ये पीडीएफ, इसमें एक फ़ाइल है, ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लेजेंड के साथ जो है वो सॉइल की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, इसमें जो है वो सॉइल की इंफॉर्मेशन भी दी है कि ए है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा इसमें जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये पीडीएफ मैंने जो आपको शो की है ये वाली फ़ाइल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, इसमें इजीरी का फॉर्मेट है और एडास का फॉर्मेट मौजूद है, और रीजन बाय रीजन्स के साथ, रीजन के हिसाब से भी एडास का फॉर्मेट मौजूद है। इदरीसी की जो है वो फाइल फॉर्मेट भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, हमने शेप फाइल डाउनलोड करनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके पास जो है वो डाटा डाउनलोड हो जाएगा इस तरह। ठीक है, डाटा डाउनलोड हो गया। अच्छा मैं आपको ये डाटा शो भी करा देता हूँ। ठीक है, आरजीएस पे। ठीक है, ये फाइल है। ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा एक चीज़ ये है कि मैंने जो इसको एक्सट्रैक्ट किया इस जिप फाइल को, तो इसके अंदर ये इस तरह हमारे पास एक्सेल की फाइल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, एक्सेल की फाइल दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी मुख्तलिफ इसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है, आप इससे को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और मुख्तलिफ इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये डिटेल, ये एक वर्ड की फाइल भी मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, चलें आर्क मैप पे चलते हैं। अच्छा ये हमारे पास ऐसे डाटा मौजूद है, मैं इसका एट्रीब्यूट टेबल भी आपको दिखा दूं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो ऐसे सैम्पल्स दिए हुए, ठीक है, डिटेल नहीं दी हुई। तो क्या करना है हमने, हम इसमें जाएंगे अपने एट्रीब्यूट टेबल में एक नई फील्ड ऐड करेंगे, और जो है वो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन जो है इसको हम जो है वो लेके उसमें अपने एट्रीब्यूट टेबल में जो है इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। ठीक है, पहले चले मैं आपको किसी कंट्री का डाटा जो है वो लेके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सेलेक्ट किया, एट्रीब्यूट टेबल खोल लें। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है कंट्री, सेलेक्ट किया इक्वल टू गेट यूनिक वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास जापान का जो कंट्री की जो एरिया टोटल वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, इसको डाटा में गया, एक्सपोर्ट किया। ठीक है, और मैं इसको जो है वो अपने फोल्डर में जो है वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सेव कर दूंगा। सेव किया इसको, ओके हो गया। ठीक है, और हमारे पास जो है वो जापान की एक अदद शेप फाइल जो है वो आ गई है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको जूम टू लेयर किया। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में क्या करना है हमने, यूनिक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फाइल क्लास। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो
ऐसे करके जो है वो हम अपने जो भी स्टडी एरिया का उसकी इंफॉर्मेशन लेके इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, ऐड फील्ड करके, ठीक है। और जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ जो हमारे पास यहाँ पे लेजेंड दिया हुआ है, लेजेंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो डाटा को इस जो डाउनलोड करना है, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन इन्होंने जो है वो वेबसाइट में कुछ सेटिंग्स चेंज किए हैं जिसकी वजह से डाटा जो है वो थोड़ा सा सर्च करने में मुश्किल पेश आ रही थी। चले, नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।